0.1% भी हिडन नहीं है यहाँ पे सर. 0.1% भी हिडन नहीं है. क्यों हिडन क्यों रखेंगे भाई? जी सर, आप हमारे से सीखने आए हो भाई. हम दूसरे इंस्टीट्यूट जाएंगे ना तो आधे बताएंगे आधे नहीं बताएंगे. यस सर, क्योंकि नहीं तो भूल जाएंगे. हमें ऐसा बोलेंगे कि भाई जाके इंस्टीट्यूट खोल देंगे. लेकिन एशिया टेलीकॉम ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जो बच्चे को पढ़ाते हैं, वो बच्चे जाके इंस्टीट्यूट खोलता है. यस सर. ये भाई लोग ई ऑफिस प्रोग्रामिंग कौन कौन कर पाए? यस सर. यूएफएस आईसी? यस सर. अरे यूएफएस? यस सर. यूएफएस कर पाओगे? यस सर. मुझे बताइए, आज अपना यूएफएस की क्लास था और पूरा रिवाइज किए थे पूरा क्लास को. यस सर. पूरी आज की 6 नंबर की दिन है और यहाँ पे लाइव देखेंगे कि स्टूडेंट क्या वर्क कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. एमएमसी की क्लास चल रही है यहाँ पे, तो एमएमसी क्लास के साथ साथ एमएमसी से रिलेटेड थ्योरी, उसके बाद फिर हैंड स्किल के लिए प्रैक्टिकल भी होता रहता है. तो चलिए अभी हम देखते हैं कि अभी आज क्या कर रहे हैं और अभी सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं और ओवरऑल जो अभी तक इन्होंने जो काम किया है फर्स्ट डे से लेकर के अभी तक, क्या वो सक्सेस उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो क्या सीख रहे हैं, हार्डवेयर में कैसा सीखे, सॉफ्टवेयर में कैसा सीखे और एमएमसी में कैसा सीखे, अभी तक का सफ़र इनका कैसा रहा. तो चलिए हम अभी जानते हैं लाइव स्टूडेंट से और देखते हैं कि क्या कैसा आउटपुट है. तो ये हमारी 28 दिसंबर की बैच और यहाँ पे सारे स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं प्रैक्टिकल. किसी को इंटरप्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, किसी को यहाँ पे इंटरप्ट हम नहीं करेंगे और सारे स्टूडेंट आप देख सकते हैं पूरे स्टूडेंट यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल. क्या ये पता था क्या कि हम लाइव आने वाले हैं, ऐसा कुछ पता था क्या? नहीं. तो ये अब ये सारा प्रैक्टिकल के साथ साथ यहाँ पे चलेगा और इनसे पूछेंगे एक एक करके. किसी को हम रोकेंगे नहीं, किसी का काम नहीं रोकेंगे. ठीक है बेटे, किसी का हम काम नहीं रोकेंगे और स्टूडेंट से हम पूछेंगे अभी तक का सफ़र कैसा रहा. तो चलिए इधर देखिए, इधर रख दीजिए अभी 2 मिनट. तो बताइए अपना नाम और कहाँ से हैं आप? जी मैं नितिन अयोध्या से. नितिन सर अयोध्या से. नितिन जी, तो नितिन जी अभी ओवरऑल मैं बात करता हूँ आपसे, हार्डवेयर का सफ़र, हार्डवेयर से लेके अभी तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर, अभी तक की सफ़र बहुत अच्छा रहा. तो यहाँ पे अगर मैं एमएमसी की बात करूँ यहाँ पे, तो एमएमसी का नॉलेज कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर. अभी क्या कर रहे हो? अभी सर ग्लू कटिंग कर रहे हैं, ब्लैक पेस्टर पे काम कर रहे हैं. क्या पहली बार कर रहे हैं, किससे पहले भी आप कर चुके हैं? सर पहली बार कर रहे हैं. नहीं अभी इंस्टीट्यूट में पहली बार कर रहे हैं कि दूसरी बार कर रहे हैं सर? दूसरी बार. आप तो डेली कर रहे हैं ना एमएमसी की क्लास में? डेली कर रहे हैं. दूसरी बार कैसे हुआ फिर ये? अभी सर ना कितने बोर्डों पे काम कर लिया आपने अभी? अभी इसी बोर्ड पे कर रहे हैं सर. अभी तक कितने बोर्ड में काम कर लिया जब से एमएमसी क्लास चल रही है? सर 2-3 बोर्ड पे किया हूँ. 2-3 बोर्ड पे काम कर लिया है. तो अभी कैसा लग रहा है ब्लैक पोस्टर? बहुत अच्छा लग रहा है सर. बहुत अच्छा लग रहा है सर. तो यहाँ पे लाइव देख सकते हैं ब्लैक पोस्टर का बोर्ड है और यहाँ पे ये काम कर रहा है. तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एमएमसी से रिलेटेड, एमएमसी चेंज प्रोसेस हो, हार्डवेयर में हो, हार्डवेयर का नॉलेज हो, तो कैसा रहा अभी? बहुत अच्छा रहा सर. कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता है तो क्या बोलना चाहिए? बीजीजेक कर सकता है सर, आईसर टेलीकॉम कर सकता है कि करना चाहिए? करना चाहिए सर. करना चाहिए. यस सर. चलिए ठीक है, थैंक यू. तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और कहाँ से हैं? सर नमस्ते, मेरा नाम अंकुर सिंह, मैं यूपी गाजियाबाद से हूँ. अंकुर जी चलिए अभी आज हमारा लगभग एमएमसी का कंसेप्ट खत्म होते चल रहा है, एमएमसी की क्लास चल रही है, तो डेली प्रैक्टिकल कराया जा रहा है कि नहीं कराया सर? बिल्कुल, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है. सर आपको लाइव यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे एमएमसी चेंज करना है, कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे हेल्थ रिपेयर करना है? जी सर. सर मिलन सर पहले बताते हैं, उसके बाद हमसे कराते हैं, जो हमारे फ़ोन होते हैं हम उनको खुद रिपेयर करते हैं सर, एमएमसी चेंज करते हैं. जी सर बिल्कुल. तो चलिए अभी मैं बात करूँ हार्डवेयर का सफ़र कैसा रहा आपका देव सर? हार्डवेयर सर एक्सलेंट, एकदम कोई जवाब नहीं सर. एक्सलेंट रहा जी. कॉम्पोनेंट का नॉलेज हो, नेटवर्क सेक्शन हो, डेट सेक्शन हो, बस अब तो सर घर जाके फ़ोन ही ठीक करना है अपने. फ़ोन ही ठीक करना है. तो ये लाइव हम क्लास में चलती क्लास में हम यहाँ पे आपके साथ इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पे. तो ओवरऑल अभी तक की क्लास, सॉफ्टवेयर क्लास कैसी रही? सर दुर्गेश सर ने इतने अच्छे से समझाया, मतलब कि एकदम ऐसे लगने लगा जैसे कितना इजी हो गया सॉफ्टवेयर. इजी हो गया जी सर. तो अगर मैं बात करूं ब्लैक पोस्टर पे डेली काम कराया जा रहा है सर? डेली डेली. ऐसा तो नहीं कि बस एक दिन आज नहीं, बस सर, कराया जा रहा है? नहीं नहीं, बोर्ड पे रोज डेली काम हो रहा है यहाँ पे. डेली हो रहा है जी सर. आज भी कर रहे हो? जी सर, ये नया बोर्ड और भी बोर्ड है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली डेली बोर्ड पे, डेली डेली बोर्ड है यहाँ पे ब्लैक पोस्टर. तो हैंड स्किल कैसा अभी, कैसा लग रहा है? अब अच्छा हो गया सर. तो पैसा वसूल कोर्स हुआ कि जी सर? बिल्कुल है पैसा वसूल जी, बिल्कुल. चलिए ठीक है, थैंक यू.
तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? सर मैं बिकू प्रसाद आसाम से हूँ। देखिए हम ये कोई लाइव वीडियो नहीं है, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक इंट्रो वीडियो है कि जो अभी तक इन्होंने काम सीखा है। तो क्या ये पता था क्या कि हम लाइव क्लास में चलते ये वीडियो लेने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं सर, हम लोग को पता नहीं था। तो ये सडन हम आ रहे हैं यहाँ पे, हम ये देखना चाहते थे और दिखाना चाहते हैं कि क्या एक्चुअल में इंस्टीट्यूट में केवल लाइव लेते समय आपको बताया जाए या फिर ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ पता था क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ पता नहीं था। तो लाइव क्लास में हम आए और हम ये भी देखना चाह रहे थे कि स्टूडेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा सर। तो चलिए ओवरऑल मैं बात करूँ, हार्डवेयर का सफ़र कैसा रहा, सॉफ्टवेयर का सफ़र कैसा रहा और अभी MMC क्लास कैसी चल रही है? सर देखिए मैं हार्डवेयर का बताऊँगा कि जैसे कि देव सर के साथ जो हमारा हार्डवेयर सेक्शन का क्लास हुआ वो सर मतलब मेरे शब्द में माइंड ब्लोइंग क्लास था। और रह गया कि जो सॉफ्टवेयर का जो हम लोग फर्स्ट डे क्लास स्टार्ट हुआ दुर्गेश सर के साथ, वो इतना डीप लेवल से समझाए हम लोग को, मतलब कि जैसे एक छोटे बच्चों को ए लिखना कैसे सिखाया जाता है वैसे उस तरीके से सिखाया गया। और अच्छा लगा कि हमें ऐसा टीचर मिला कि हम ऐसा टीचर के साथ जुड़ के पढ़ने को मौका मिला हमको। फिर अभी MMC क्लास कैसे चल रही है? MMC क्लास मैं मिलन सर के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि MMC क्लास में हमें ऐसा सा ट्रिक्स बताया गया कि कैसे ब्लैक पेस्टेट को खोलना है और कंप्लीट सेफ तरीके से कैसे उसको खोल के दोबारा रिबोल करके बढ़िया से फोन को ऑन करना है। तो अभी आप किसी MMC सेट पे काम किया अपने लाइव? पहले तो नहीं किया था सर, मैं जब यहाँ नहीं आया था तब तो नहीं किया था, लेकिन जब से हमारा MMC क्लास स्टार्ट हुआ है फर्स्ट डे से हम लोग अपना ब्लैक पेस्टेट IC खोल रहे हैं। आज भी कर रहे हैं? आज भी कर रहे हैं सर। दिखा दीजिए बोर्ड, दिखा दीजिए। आज भी कर रहे हैं, ये बोर्ड है कोई चाइना मोबाइल का। ओके तो ये मैं बोर्ड में अभी फिर से अपना हाथ सफाई कर रहा हूँ। और कि मेरा अभी कितने बॉल मिसप्रिंट हो रहे हैं? बॉल अभी मिसप्रिंट नहीं हो रहे मेरे से। नहीं सर, ये ऐसा ट्रिक बताया गया आपको? जी सर। तो मतलब बहुत ही इजी तरीका बताया गया कि कैसे आपका बोर्ड भी सेफ रहे, IC भी सेफ रहे आपका। तो चलिए आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आने वाले स्टूडेंट के लिए मैं इतना ही रिकमेंड करूंगा कि बेझिझक बिना सोचे समझे आप अगर ऐसे टेलीकॉम आते हैं तो वो आपके जीवन के लिए फायदेमंद है। क्योंकि आपका आते हैं कि आना चाहिए? आना चाहिए सर, आना चाहिए। और जो उसका लाइफ के लिए मतलब बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं और अपना नाम और कहां से हैं आप? सर मेरा नाम सुजीत कुमार राउत, मैं उड़ीसा से हूं। तो सुजीत जी थोड़ा लाउडली बोलिएगा। तो चलिए हम इनसे आज कोई हमारा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वीडियो कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक इंट्रो वीडियो है कि जो अभी तक इन्होंने काम सीखा है वो काम एक्चुअल में कैसा रहा इनका अभी तक का सफ़र। तो हार्डवेयर का सफ़र, सॉफ्टवेयर का सफ़र और अभी ब्लैक पेस्टेड MMC प्रोग्रामिंग, MMC चेंज, हेल्थ रिपेयर कैसा रहा ओवरऑल, चलिए आप अपने लैंग्वेज में बता सकते हैं। सर देवसारे जो आम क्लास होता मैंने हार्डवेयर क्लास A to Z मान मतलब सब कंपोनेंट रजिस्टर कैपेसिटर लगे कि पूरा नेटवर्क सेक्शन दब पूरा कम्प्लीटली। सॉफ्टवेयर का आम दुर्गेश सर सत्र कम है, दुर्गेश सर सत्र मतलब वो डाटा ये तो लगे ही सब ठीक ठाक चल। ओके फिर अभी ब्लैक पेस्टेड का काम और MMC का काम कैसा चल रहा है आपका? ब्लैक पेस्टेड मतलब अभी काम कर रहे हैं, ये अभी आपने निकाला है जी सर। तो दिखाइए अभी इन्होंने लाइव निकाला फिर से, डेली प्रैक्टिकल करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? सर डेली प्रैक्टिकल हो सर। तो कैसी रही अभी तक की क्लास ओवरऑल? सर डेली इधर देखिए अभी तक की क्लास कैसी रही? सर बहुत भला बहुत अच्छा रहा। चलिए थोड़ा हिंदी इनको प्रॉब्लम होती है बोलने में, ये उड़िया से हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जो मतलब हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, MMC है, हार्डवेयर हम लोगों को सर देव सर ने सिखाया है सर। उन्होंने जीरो से लेकर मतलब पूरा का पूरा जो मोबाइल होता है मतलब वहाँ कौन सी लाइन कहाँ जाती है ये वो सब मतलब बहुत क्लियरली समझाया सर देव सर ने। जो हमको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मतलब हार्डवेयर रिलेटेड, और 100 से ऊपर मिल रहा है। तो देव सर के साथ कैसी क्लास रही आप? सर बहुत मज़ा आया सर, उन्होंने हार्डवेयर का पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर कराया है। और जो आजकल मार्केट में जो प्रॉब्लम आर्किटेक्चर चली रही हैं क्रिएट हैं, जैसे कि कुछ भी हो नेटवर्क सेक्शन हो डेड हो, हाँ जी बिल्कुल सर सब निकालिए।
तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और अपना। हाँ, मैं प्रेम शर्मा, हरियाणा फरीदाबाद से। प्रेम जी, तो आज मैं हम ये बात करने वाले हैं कि ओवरऑल हार्डवेयर का सफ़र, सॉफ्टवेयर का सफ़र और लगभग लगभग MMC भी ख़त्म हो रही है, तो कैसा रहा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और MMC का कंसेप्ट? सर बहुत अच्छा रहा, मैं इस लाइन में बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मेरे को लगा नहीं था कि मैं कभी मोबाइल पर काम कर पाऊँगा या EMC या सॉफ्टवेयर काम कर पाऊँगा। जब मैं सोच रहा था, मैं इतना पढ़ाई भी नहीं कर रखी मैं कभी सॉफ्टवेयर कर पाऊँ। अच्छा, जैसे आपने पढ़ाई की बात की, तो क्या आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर MMC के लिए पढ़ाई का कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरे को जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया तो मेरे को लगा यार मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा कम हूँ, पता नहीं सॉफ्टवेयर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमारे जो सर थे दुर्गेश सर, उसने हमको इतनी आसानी से समझाया, इतने अच्छे तरीके से समझाया कि आज अगर मैं करना चाहूँ तो बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। ओके, हार्डवेयर का सफर देव सर के साथ? सर देव सर के साथ बहुत अच्छा रहा, उन्होंने हमको एक एक चीज इतनी अच्छी तरीके से समझाई कि हमको सारा चीज रट चुका है सर, सारा चीज रट चुका है। और अगर हम MMC का कंसेप्ट की बात करें, MMC चेंज प्रोसेस की बात करें, MMC को अपग्रेड करने की बात करें, तो अभी कर पाएंगे कि नहीं? जी सर कर पाएंगे सर। बूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमें कंफर्टेबल IC कैसे लेनी है, ब्लैक पेस्टेड को कैसे क्लीन करना है, कैसे निकालना है, कितने बोर्डों पे अभी तक आपने काम? सर ये मेरा चौथा बोर्ड है सर। चौथा बोर्ड जी सर। तो एक बात बताइए, फ्रेशर स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए, फ्रेशर को भी करना चाहिए, जो छोटी मोटी दुकान अपनी चला रहे हैं, जो दूसरों से काम कराते हैं, वो भी अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। जी सर, सकते हैं कि आना चाहिए? आना चाहिए सर। आना चाहिए जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मैं कमल सिंह, मथुरा से सर। कमल जी, चलिए अभी हमें बताइए, क्या आप इससे पहले ब्लैक पेस्टेड पे काम करते? नहीं सर। क्या इससे पहले IC लेवल पे काम करते? नहीं सर, फ्रेशर हूँ सर। तो फिर आपने कभी भी UFI भी नहीं चलाया? नहीं नहीं है। आपने UMT भी नहीं चलाया? नहीं चलाया सर। और SMD वगैरह तो नॉर्मल चलाया, यूज़ किया होगा? नहीं नहीं सर, चलाया कुछ भी नहीं किया, पूरा फुल्ली फ्रेशर? फ्रेशर सर। तो अभी भी फ्रेशर हो? हाँ फिलहाल अब नहीं, फ्रेशर जी। फ्रेशर नहीं, अब नहीं है सर। हम सोचे अभी भी फ्रेशर है। नहीं नहीं सर, नहीं। आप IC रिवॉल्व किया आपने? हाँ सर। आपने सॉफ्टवेयर में कोई काम किया प्रैक्टिकल? हाँ किया सर। करवाया था आपसे? हाँ सर। उसके बाद MMC में डेली ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं? हाँ सर, डेली तीसरा बोर्ड है आज, चौथा बोर्ड है सर आज। ओके, हाँ तो अभी तो फ्रेशर थे और आप पूरी ब्लैक पेस्टेड और व्हाइट पेस्टेड? हाँ ना ना सर, यहाँ ट्रिक जो है एशिया टेलीकॉम के अलग है सर। तो मतलब फ्रेशर ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी ना हो और हम आपको समझ में ना आ रहा? ना ना, सारा कुछ समझ में आ रहा अच्छे से सर, सारा कुछ समझ में आ रहा है। तो अभी एक बात बताइए, यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और MMC का सफर कैसा चल रहा? अच्छा चल रहा है सर। अच्छा, सॉफ्टवेयर दुर्गेश सर ने समझाया था, 0 से मतलब 90.9 तक समझ में आ गया सर। ओके, उसके बाद फिर हार्डवेयर का सफर? हार्डवेयर का सर तो सर एक एक ट्रिक समझ में आ गया पूरा देव सर का, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे के लिए। ओके, उसके बाद मैं बात करूँ MMC की क्लास मिलन सर के साथ, मिलन कैसा सर के लिए? सर तो बहुत अच्छा और मजा आ रहा है सर, पूरा प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है। तो आने वाले स्टूडेंट, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए क्या बोलूँ? फ्रेशर स्टूडेंट के लिए आ सकते हैं सर। आ सकते हैं कि आना, आ सकते का मतलब आना भी चाहिए नहीं भी आना चाहिए? आना चाहिए सर। आना चाहिए, आना चाहिए, इसी टेलकॉम आना चाहिए सर। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, हम फ्रेशर हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा सर, जिसको भी आना है वो आ सकता है भाई। आ सकता है बिल्कुल भी? हाँ। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या मतलब वो फील हुआ यहीं पे जाना है? यहीं पे जाना है। तो हाँ। चलिए, जो फील हुआ आपका और फिर डिसीजन फाइनली कैसा निकला, कैसा रिजल्ट निकला अभी तक? रिजल्ट तो बहुत फाइनली अभी क्लास खत्म हो रही है ओवरऑल, अभी डुअल टेकर में भी एक बार हम आएंगे लाइव और आपसे पूछेंगे कि डुअल टेकर भी आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो भी एक वीडियो अभी रहेगा कि डुअल टेकर आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऐसे टेलीकॉम की तरफ से फ्री, कोई भी पैसे नहीं लिया जाएगा। अच्छा, जब आप आए थे तो बैकअप के लिए कितना पैसा बोला गया? बैकअप के लिए कुछ नहीं, आएंगे। एक अच्छी चीज़ आपको मिली इस क्लास में, ओवरऑल मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि अभी तक अभी लाइव क्लास में तो नहीं बताते थे, बैकअप क्लास को UFS का मिलता था, पर यहाँ पे UFS का भी आपको दिया? आज UFS का क्लास हुआ है। UFS का मिला गया, वो भी चेंज प्रोसेस लाइव बोर्ड लाइव किया गया। कैसा रहा ओवरऑल? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। के लिए तो बहुत बढ़िया ही होगा। ओके ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, तो अपना नाम और कहाँ से हैं आप? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं कश्मीर से हूँ सर। मोहम्मद जी, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, एक ऐसा वर्किंग वीडियो है ये, कि लाइव प्रैक्टिकल का स्टूडेंट जो काम करते हैं एक्चुअल में, जो हम बोलते हैं वो हम दिखा रहे हैं कि एक्चुअल वो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो बताइए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर MMC का सफ़र अभी तक का सफ़र कैसा रहा? सर बहुत बढ़िया रहा। आपको इस बैच में क्या नया मिला, कुछ क्या मतलब ऐड हुआ इस बैच में? सर जो चीज़ के लिए आया था
वो जितनी जितनी क्लासें होती गई जिस सेक्शन की क्लास होती गई वो उसमें मुझे उससे एक्स्ट्रा मिलता गया सर। अच्छा मिलता गया जी, उससे भी एक्स्ट्रा जितना मैं सोच के आया था, उससे भी ज़्यादा सर। ओके, तो मोहम्मद जी आप हमें ये बताइए कि इस एमएमसी की क्लास की अगर मैं बात करूँ इसमें क्या नया आपको मिला, मतलब एक नया कंसेप्ट क्या मिला आज सर? आज वो ये तो पहला बैच है एशिया टेलीकॉम का जिनको UFS मिला। हाँ नहीं तो UFS मिलता है, ऐसा बैकअप में मिलता है, बैकअप की क्लास में मिलता है। आप जाइए 6 महीने काम करके आइए, 3 महीने फिर आइए अपने बॉक्सेस लेकर के आइए उसके बाद। पर यहाँ पे रिकमेंडेशन मतलब स्टूडेंट के रिकमेंड से ही हुआ था कि हमें भी UFS का काम सीखना है। जी सर, आप सभी का उसमें रिकमेंडेशन था तो उसके अकॉर्डिंग सर ने अगर चाहते तो केवल थ्योरी बता दे। जी सर, नहीं उन्होंने ये प्रैक्टिकल कर लो, उन्होंने सर इतना डिटेल में मतलब UFS का भी बताया। मैंने अभी YouTube में भी सर्च मारा, जी कहीं नहीं है सर, कहीं नहीं, नहीं सर, नोटेड प्रो पे उन्होंने हमें पूरा बताया। प्रोग्रामिंग नहीं दिखाई सर, आपको चेंज प्रोसेस दिखाया। चेंज प्रोसेस लोग तो अभी नॉर्मल प्रोग्राम नहीं कर जी सर, नहीं उसका भी है ही नहीं कुछ। अच्छा। मैंने ये अभी जो मॉडल किया, एक दो मॉडल मैंने यूट्यूब में सर्च किए, किसी ने कोई डाला ही नहीं है। एक ने तो नाम डाला हुआ है MMC प्रोग्रामिंग UFS प्रोग्रामिंग फॉर नोट 8 प्रो, और उसने खाली क्या किया है IC निकाली, रिवॉल्व की, रिवॉल्व करके फोन में लगाई, ये हो गया चालू। भाई वो कहाँ है प्रोग्रामिंग, कहाँ है चेंजिंग प्रोसेस, कहाँ है जो आप लिखे हो। तो अभी कैसा लगा आपको? सर बहुत मजा आया। तो ये अब फ्यूचर की अगर हम बात करें, अपडेट क्लास में जब आओगे तो कितने पैसे चार्ज लेगा इसे डेली? सर हमारी जो बात हुई है कुछ भी नहीं, और हमने यहाँ पे देखा भी है क्योंकि ये तो जो हमारा बैकअप के स्टूडेंट देखे, और जितना उनको चाहिए था उनको किसी चीज़ के लिए ना नहीं हुआ। जो चीज़ के लिए बैकअप के लिए आए थे उन तो उनको मिलता गया, और हम उनसे मिले भी वो स्टूडेंट से सर। जी सर, तो क्या फीडबैक रहा उनका? उन्होंने वो तो खुश होके गए सर, खुश होके गए। आप भी आओगे, आप भी खुश होके जाओगे सर हमेशा। और कश्मीर से कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहिए सर? मैं उनको कहूँगा कि एशिया टेलीकॉम से पहले मैं वेलकम कर रहा हूँ एशिया टेलीकॉम में। ओके ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम प्रकाश है, मैं नेपाल से हूँ। प्रकाश जी, तो सबसे पहले आप नेपाल से, तो एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे आने तक में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लैंग्वेज का इशू तो नहीं हो रहा है कुछ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी समझ में ना? नहीं सर, ऐसा कोई समझ में आ रहा है। चलिए, आपको कोई डाउट रह रहा है तो चाहे हार्डवेयर का हो, सॉफ्टवेयर का हो, MMC का हो, तो सर आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, डाउट क्लियर हो जाता है? डाउट क्लियर एकदम क्लियर। ऐसा तो नहीं कि अरे आप बार बार पूछ रहे हो अरे नहीं बता पा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं। तो चलिए मैं बात करूं अगर, तो कितने ब्लैक पेस्टेड पे आपने काम कर लिया, और इससे पहले काम करते थे क्या? नहीं, कहाँ सीखा आपने? कहीं नहीं, यही एशिया टेलीकॉम। तो अभी कितने बोर्डों में काम कर लिया? अभी 4 बोर्डों में काम किया। 4 बोर्ड? 4। अभी बोर्ड दिखाइए जो आपने काम किया है, ये देख सकते हैं बोर्ड इनका, अभी जस्ट इन्होंने काम किया हुआ है। ये ऐसा तो नहीं कल का निकला हुआ दिखा रहे? नहीं सर, अभी जस्ट कर रहा हूं, अभी निकाले हूं। तो ये डेली हम डेली काम करने को मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है सर डेली। तो ओवरऑल ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर MMC का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा निकल रहा है सर, बहुत अच्छा रहा है। MMC चेंज अगर आपसे बोला जाए चलो MMC चेंज प्रोसेस करो, तो उसका स्टेप बाय स्टेप मीडियाटेक कॉलकॉम हो जाएगा, RPMB क्लीन कर, RPMB क्या होता है, RPMB काउंटर क्या होता है, सब मालूम, सब मालूम। तो ओवरऑल कैसी रही क्लास? एकदम बहुत, नेपाल से आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहूंगा? एकदम आए, अगर काम करना है तो बिना सोचे समझे आए, बिना सोचे समझे आए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहली बात, अपना नाम और आप कहाँ से? नमस्कार सर, मैं सोनन महाराष्ट्र से। जी, तो बताइए ये वीडियो आपको पता था कि हम लाइव क्लास चलते? नहीं, में नहीं, नहीं, हम तो काम कर रहे थे, हमको कुछ पता नहीं था। नहीं पता था, लाइव आने ये भी तो सकता है स्क्रिप्टेड हो सकता है, और हम आने वाले थे और आपको बोल दे चलो यार काम करो, बोर्ड कोई नहीं रहता इधर, वीडियो नहीं रहता, सीधा लाइव आते, कभी आते वो भी मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो उसमें तो एडिट कर देंगे जो यूट्यूब में डलेगा, पर ये लाइव भी चल रहा है, तो क्या इसमें एडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। तो चलिए बताइए ओवरऑल अभी तक का सफर कैसा रहा, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का और MMC का? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और EMMC। पहला हमारा हार्डवेयर का कोर्स देव सर के साथ कंप्लीट हो गया, कंपोनेंट से लेकर कंपोनेंट टेस्टिंग, उसके बाद कंपोनेंट टेस्ट चेकिंग कैसे करते हैं, काम क्या होता है, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, उसके बाद IC को रिक्वायरमेंट क्या होती है, इनपुट क्या रहते हैं, आउटपुट क्या रहते हैं, सब उसके बारे में देव सर ने एक स्टेप बाय स्टेप हमको पढ़ाया, स्टेप बाय स्टेप, और वो कौन से सेक्शन से किस वजह से फॉल्ट आते हैं ये भी बताया, एंडलेस सोल्यूशन, अगर मान लो कोई फॉल्ट आ गए तो कौन से IC पे काम करने का है। अगर पहले क्या करते थे, हमको चीज का नॉलेज नहीं था, मार्केट सालों से काम, मार्केट में 7 साल से काम कर रहे थे, पर हमको ये पता नहीं था कि IC पे कौन से काम करने का है, या IC पे कब काम करना, और डेड मोबाइल आता था तो किस वजह से वो डेड हो गया। सबसे बड़ा सेक्शन है नेटवर्क का और डेड का सेक्शन है, नेटवर्क का और डेड का सेक्शन तो एकदम
ऐसा लग रहा है कि अभी 5 मिनट में बन जाएगा, क्योंकि उसमें डायग्नोस करने का तरीका आपको बताया गया, डायग्नोस करने का तरीका बताया है। डेट का तो कोई नहीं है, डेट जब सबसे ज्यादा परेशानी होती थी डेट से। जी जी जी, कैसा होता था, 10 मोबाइल हमारे पास आते थे तो उसमें से कम 6-7 मोबाइल तो रिटर्न जाते थे, 2-4 मोबाइल साफ करके हिट दे के क्लीन करके हो जाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। कस्टमर को बोलते थे कि आईसी खराब है, खुद को भी नहीं पता था कि कौन सा आईसी खराब है, इस कारण वो मोबाइल रिटर्न चले जाते थे। जी जी जी। तो ऐसा लगता था कि हम दुकान तो खोले हैं 7 साल से जी जी। पर दिन पे दिन कस्टमर को रिटर्न भेजना पड़ता था, अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। अगर किसी के पास मोबाइल भी देते थे काम के लिए, उधर से भी रिटर्न आता था, पर तब तक बोर्ड का पूरा कचरा होता था, पूरा खेल देते थे उसमें, छेड़छाड़ करके फिर वो कस्टमर किसी दूसरे दुकानदार के पास लेके जाता था, तो वो बोलता था अरे भाई ये देखो इसने बोर्ड जलाया है, ये कुछ निकाला है, खराब किया है, फिर वो कस्टमर से झगड़ा होता था। ये बहुत फेस करना पड़ता था मार्केट में। और सॉफ्टवेयर का तो मैं प्रेशर ही था सॉफ्टवेयर के लिए दूसरे के दुकान में जाना पड़ता था, उसके बाद ही काम बनता था। अगर वो भी बोलेगा अभी ये ऑनलाइन है ये ऑफलाइन है, वो नहीं समझ में आता था, बहुत सारी बातें ऐसे करते थे कि ऑनलाइन है ऑफलाइन है, वो हमको समझ में नहीं आती थी। वो बोलते थे कोई फाइल डाउनलोड करना है उसके लिए भी अलग से चार्ज देना पड़ता है, इसलिए हमको दो दो बार उनके पास जाके आना पड़ता था कि अगर उनको पूछना पड़ता था हो गया क्या, वो बोलते नहीं हो गया, हमारा हाथ का काम छोड़ के उसके पास जाके आने का, तब तक कस्टमर नहीं रुकता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि फेस करना पड़ता, इश्यूज आते थे। अभी अभी रिटर्न आप दूसरे शॉप में जाओगे? नहीं नहीं, अभी दूसरे शॉप वाले आने वाले हैं हमारे पास। आने वाले हैं, चलिए ऐसा कभी किसी को नहीं बोलना है, अगर काम आता है तो वेलकम है, नहीं भी आता है तो भी थैंक यू। दूसरे शॉप के लिए कोई कंप्लेंट नहीं हमारा, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दूसरे शॉप वाले को भी जो ये काम नहीं कर पा रहे हमारे पास दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, और उनका काम हम कर, हम मान लीजिए इनके साथ नहीं भी होता है, नहीं होता है तो ऐसा कोई गड़बड़ी वाला काम नहीं होगा, जैसा मिलेगा वैसा मिलेगा, क्योंकि हमें फॉल्ट का फाइंडिंग पता है। काम खाली रुकता है किस वजह से, एक तो मान लो हमारे पास टूल्स नहीं है, ये महंगे टूल्स रहते हैं, कोई आईसी अवेलेबल नहीं रहता है, बोर्ड डैमेज हो जाता है, तिरछा होता है, इंटरनल लाइन ब्रेक होता है, इसके वजह से वो काम रिटर्न जा सकता है। पर यह समझ में तो आ सकता है कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या था, क्या है, हम एक्चुअल उसका रीजन बता सकते हैं। okay, okay. और पहला क्या होता था, वो रिटर्न भी गया और काम भी किया, तो भी क्या काम हमने वो बोर्ड में किया वो भी हमको ही नहीं मालूम पड़ता था। अगर कस्टमर सामने से जाते दिखता कभी तो भी टेंशन आता था कि भाई रिटर्न तो नहीं आएगा, कुछ बातें तो नहीं करेगा। अच्छा, जब तक तो वो आप तो जो भी आप बना के दोगे, अब तो कॉन्फिडेंसली बना के दोगे, और जब आएगा कस्टमर रिटर्न तो भी पता चलेगा कि उसमें क्या फॉल्ट हो गया, क्या बना के दिया दूसरी जगह से हुआ है। चलिए थैंक यू सो मच इतनी बातें करने के लिए। ठीक है सर, तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? जी मोहम्मद फरमान सर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद जी, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, ये कोई हम तो रिव्यू तो रोज ही ले रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो कैसा समझ में आए, ये तो हम डेली का ले रहे हैं। ये वीडियो ऐसा वीडियो एक वर्किंग वीडियो है कि आप हम काम करा भी रहे हैं आपसे कि नहीं करा रहे, आपने अभी तक का सफ़र कैसा रहा आपका, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बिमसी का सफ़र? सर बहुत अच्छा रहा। इससे पहले कभी ब्लैक पेस्टेड बोर्ड पे काम करते थे? नहीं सर, कभी ब्लैक पेस्टेड पे क्या कोई भी आईसी मतलब उठाई नहीं है, कभी नहीं उठाई है। अगर हल्की हीट पे चल जाते थे उससे भी डरते थे मतलब। आज की टाइम की बात करें तो अभी तक कितने बोर्डों पे ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड पे काम करें? 4 बोर्ड पे सर कर चुका हूँ फिलहाल। आप ये आज भी किया है कि नहीं किया है? अभी किया है, अभी भी कर रहा हूँ फिलहाल। ये देख सकते हैं यहाँ पे, दिखाइए इनको, ये ब्लैक पेस्टेड आईसी थी, ये निकाली हुई है और ये अभी क्लीनिंग। कितने बॉल डैमेज हो गए? जी एक भी बॉल डैमेज नहीं हुआ, जो हुए हैं वो सिर्फ एनसी हुए हैं। एनसी हुए जी सर, एनसी। तो कैसे रही ओवरऑल अभी तक की क्लास? बहुत बढ़िया सर, मजा। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बेझिझक आ सकता है सर, आ सकता है मतलब? आएगा, जिसको कामयाब होना है बेझिझक आए आए जी, बिल्कुल कामयाब होने के लिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ देखे, बिल्कुल सर, कि वो चीजें हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप केवल लाइव में देख रहे हो जी, वीडियो में देख रहे हो और आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि अरे मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो किसका लॉस है? खुद का लॉस है सर, खुद का लॉस। खुद का मतलब ऐसा हुआ कि अगर हम सोच रहे हैं तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? आपको कभी लगता है कि कितने सालों से इस फील्ड में? सर मैं 5 साल से इस फील्ड में हूं। आपको कभी ये लगा कि अरे क्या मैं 1 साल पहले या 2 साल पहले आ जाता था? सर मैं एशिया टेलीकॉम के चैनल से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। okay. और तब से यहां पे आने की सोच रहा था, लेकिन आते आते इतना टाइम हो चुका है, अब मैं सोच रहा हूं कि बहुत कुछ खो दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, खोना कुछ भी नहीं होता है, नहीं टाइम वेस्ट हुआ ना सर, अगर पहले आ जाते तो आज तो किसी और मकाम पे होते हैं। जी सर, पर कोई बात नहीं, एक बात मैसेज देना चाहूंगा कि जब उठो तभी सवेरा होता है। बिल्कुल, तो आपने डिसीजन लिया जी सर, अब आगे जाकर के आए बहुत अच्छा काम करने वाले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो
चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, और अपना नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अनुज जी, ये फिर से जैसा कि हर एक वीडियो में बोलना पड़ता है क्योंकि कट के वीडियो जा रही है, क्योंकि कोई पीछे देख रहा है, कोई बाद में देख रहा है, कोई कभी भी देख रहा है, तो ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो नहीं है, ये हम रिव्यू नहीं ले रहे हैं आपसे, रिव्यू तो हम डेली ही ले रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वीडियो ऐसा वीडियो है कि वर्किंग वीडियो है कि अभी तक का जो सफ़र रहा आपका हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर, क्योंकि एमएमसी भी लगभग लास्ट ही चल रही है, तो अगर एमएमसी चेंज के प्रोसेस की बात करें और आपकी बात करें, हार्डवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, तो कैसा रहा अभी तक का सफ़र? सर, सफ़र तो बहुत अच्छा रहा है, और ईएमसी या फिर आईसी को जो है मुझे यहाँ पे ओटीपी प्रोसेस मिली है, मैं वन टाइम में उसको निकाल सकता हूँ, रिवॉल्व कर सकता हूँ और उसको फिक्स भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो ओटीपी का ये पहले संभव? यस यस, नहीं नहीं सर, इसका इनकी यहाँ के कोड जो है अगर किसी को पता ही पड़ता है तो ये समझेगा ये पागल है सामने वाला, कोई नोट्स भी देख लेगा, नहीं वो समझ में नहीं आना उसको कुछ, ये तो सी बी ऐसा कुछ पढ़ाते हैं। यस यस यस, तो ये सी डी एफ का मतलब सब कुछ आपको पता है? ये कोड इतने इजीली हैं कि उसको एक बार अगर देख लो तो एक अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि मुझे इस प्रकार से इस सेटअप पे या इस जगह पे या उस डायग्राम पे वहाँ जाके मुझे काम करना है, तो पहले से फिक्स। हार्डवेयर का सफर देव सर के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है हार्डवेयर का सफर, और देव सर ने मुझे एंडलेस नॉलेज दी है कि अगर कोई भी फॉल्ट बनता है तो डायरेक्ट मुझे पता पड़ जाता है कि वहाँ पे जाके मुझे काम करना है, उसके पहले तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक, ये आईसी लगी है, किसकी आईसी लगी है, कुछ पता नहीं था मुझे। सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? सॉफ्टवेयर का सफर बहुत अच्छा रहा है, दुर्गेश सर ने मुझे सॉफ्टवेयर का सिखाया है जीरो से लेके, कई सारे जो मोबाइल थे ऑफलाइन और ऑनलाइन का मसला है जो वो मसला सिर्फ माइंड में ही है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन कुछ है ही नहीं है, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी है, मिस कनेक्टिविटी है, बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑनलाइन ऑफलाइन से मतलब नहीं है कोई। तो अभी लाइव एमएमसी क्लास मिलन सर के साथ, एमएमसी क्लास मिलन सर के साथ चल रही है, तो ये प्रोग्राम जो देख रहा था मैं, इनकी पहले भी करता, इनकी कोशिश की है, तो उसके बाद ये लगता था ये आईसी अगर निकल जाएगी तो लगा नहीं पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है कि निकल जाए लगा नहीं पाएंगे, अभी यहाँ पे मैंने कई प्रोग्रामिंग करने से पहले एमएमसी को तो निकालना पड़ेगा। यस यस, अब निकालने लगाने की प्रोसेस में नहीं था यहाँ, तो आज निकाल लगा के प्रोग्राम करके उसको, मैं कम से कम 5-6 बोर्ड में काम कर चुका हूँ, 2-3 मोबाइल में ऑन कर चुका हूँ प्रोग्राम करके खुद से। ये सर ने किया होगा? नहीं नहीं सर, सर ने मुझे गाइड किया था, पढ़ाया था, मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने 3-4 सेट ऑन किए हैं, कुछ लाइव में भी किए हैं, मेरे वीडियो भी डले होंगे, आप देख सकते हो, देख सकते हैं। तो ओवरऑल आने वाले स्टूडेंट के लिए, अगर आना है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो एशिया टेलीकॉम मत आइए, अगर आपको जुनून है तो एशिया टेलीकॉम आइए, क्योंकि इंटरेस्ट लोगों का चेंज हो जाता है, मगर जुनून है तो आप आइए, और यहाँ से आप 100% कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे, आप खाली हाथ नहीं जाने वाले। खाली हाथ है या भरा हाथ? नहीं, मैं तो ऐसा आया था बिल्कुल खाली, जीरो माइनस में आया था, मगर यहाँ से मैं पूरा 100% फिल होके जा रहा हूँ बिल्कुल, तो और इसको सिर्फ यहाँ तो यार टीचर महसूस कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं मैं क्या था और आज क्या हूँ। जी जी, चलिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? गौरव, राजस्थान से। गौरव, चलो बताओ, इससे पहले कभी ब्लैक प्रेस्टेड पे काम किया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल आईसीयू पे काम किया है? नहीं सर। और तो फिर क्या, कितने सालों से हैं इस फील्ड में? मैं सर 2 साल से फील्ड में हूँ। 2 साल से इस फील्ड में है, तो 2 साल से क्या कर रहे थे? 2 साल से सर ऐसे सीसी कॉम्बो फोल्डर बस, ये तो क्या ये टेक्नीशियन यही होता है क्या मैं? नहीं सर, सीसी सेंसर कुछ नहीं होता है वो फोल्डर, ये तो आप अपने एक किसी वर्कर को भी बता दोगे, लड़के को भी बता दोगे तो उतना वो भी कर लेगा सर, बच्चा भी कर लेगा सर, कर लेगा, बच्चा तो नहीं कर पाएगा, कर लेगा। ये कि आप अपने जो वर्कर होते हैं जहाँ पे आप काम कराते हैं तो उसको भी आप एक बार गाइड कर दोगे तो भी कर लेंगे। यस सर। तो चलो बताओ, अभी तक का सफर कैसा रहा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया रहा। yes, मतलब हर एक दिन नया सीखने को मिला कि नहीं मिला? बढ़िया मिल रहा है सर। ऐसा कोई दिन हो जिसमें आप लोग को लगा रहे बोर हो रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, सब नॉलेज की चीज़ मिल रही है यहाँ, सब नॉलेज की चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। तो मैं बात करूँ हार्डवेयर का सफर, सॉफ्टवेयर का सफर, और अभी एमएमसी क्लास कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही सर। अच्छी चल रही है, एमएमसी प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है? एमएमसी से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट आता है तो वापस नहीं जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हर एक एरर का आपको सलूशन बताया गया, अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो ये सलूशन करना है, एमएमसी को कैसे क्वालकॉम को चेंज करना है, मीडियाटेक को कैसे चेंज करना है। चेंज नहीं सर, अगर मदरबोर्ड में एमएमसी नहीं भी लगी है तो भी फाइंड आउट करके वो लगा सकते हैं। नहीं लगी तो भी कर सकते हैं, तो इस लेवल का नॉलेज आपको मिल रहा है। तो कैसा लगा ओवरऑल? बहुत बढ़िया लगा सर। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना? आने वाला तो किस्मत वाला ही होगा सर, जो यहाँ पर एडमिशन होगा जिसका। एडमिशन होगा तो लाइफ चेंज होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी। यस चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? सर मैं दीपक हूँ, मुजफ्फरनगर से सर।
मुजफ्फरनगर से दीपक जी, यूपी। तो दीपक दो मिनट छोड़ दो, तो दीपक बताओ कितने सालों से इस फील्ड में हो या नहीं थे, क्या कर? सर मैं एज ए फ्रेशर हूँ और मतलब इस फील्ड में मैं भी आया हूँ जब से मैंने ज्वाइन किया है सर। जब से इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो इससे पहले फिर नॉर्मल आईसी ब्लैक पेस्टेड या फिर इस सब पे काम? कुछ भी नहीं सर, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था इनके बारे में, नहीं पता था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लोगों को, अभी माइक्रोस्कोप सेट भी करने, अभी ये माइक्रोस्कोप असेंबल हो तो आप पूरा करते, तो चलिए क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप के चीप लेवल का काम आप कर ही नहीं कर सकते, बिना माइक्रोस्कोप के माइक्रोजम्परिंग नहीं कर सकते, आईसी सही से लगी नहीं लगी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ब्लैक पेस्टेड को ग्लू काटना, ग्लू रिमूव करना हो ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। करने के लिए लोग तो करते हैं जी सर, तुक्का बेसिस पे होता है, उनके पास एक तरीका नहीं होता। तो चलो बताओ यहाँ पे ये पैसा वसूल कोर्स है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल, कि आपके पैसे वसूल हुए? बिल्कुल सर, पैसे वसूल, पैसे की तो कोई बात ही नहीं सर, जो नॉलेज मिल रही है मैं मानता हूँ कि अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज नॉलेज के आगे पैसा कुछ भी नहीं। नहीं सर, नॉलेज होती है सर, पैसा उसके सामने कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये जो आपने पेमेंट पैसे दिए हैं ये पैसे क्या केवल एक महीने के लिए दिए हैं कि लाइफ टाइम एक्सेस? सर लाइफ टाइम, कोई भी देगा क्या केवल इतने छोटे से फीस में, मतलब फीस जो भी है उस फीस में आपको पूरा लाइफ, मतलब यहाँ से 2023 से फिर आपको लाइफ टाइम एक्सेस? यस सर लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा सर, कभी भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए। अभी जो अपडेट चीज पढ़ाया जा रहा है यूएफएस, आगे चल के और भी कुछ आएगा तो उसके कुछ चार्ज देने पड़ेंगे? नो सर, कोई चार्ज नहीं, वन टाइम पेमेंट। तो अभी तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। और मुझे पहले कुछ भी नहीं आता, देखो मैंने अभी मेरा ब्लैक पेस्टेड आईसी मतलब पीसीबी था, मैंने पीसीबी मतलब पीसीबी से ये सीपीयू निकाला है, ये एमएमसी निकाली है येरी, और निकालने के बाद ये रिबोल भी कर दिया, इसके अभी इनसे स्टेंसिल से मैं इसको भी रिबोल करूंगा। तो आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे दीपक जी? अगर बोलूंगा अगर वो किस्मत वाला होगा सर जो यहाँ पे आएगा, बाकी अदरवाइज कहीं जाता तो उसकी किस्मत खराब ही है सर, क्योंकि उसे फिर दोबारा से यहीं आना पड़ेगा। अच्छा यहीं आना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है आप। इससे तो बढ़िया ये है कि वो सीधा यहीं आए इसे टेलीकॉम, विदाउट किसी मतलब तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा आ जाओ, अगर सीखना है तो यहाँ आ सकता है बिल्कुल। चलिए थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और आप कहाँ से? सर मेरा नाम अजीम है, मैं तेलंगाना से हूँ। अजीम जी तेलंगाना से हैं, तो ये जो वीडियो है हमारा ये कोई वीडियो नहीं है, ये है प्रैक्टिकल वीडियो, एक वर्किंग वीडियो है कि आप काम कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्या पता था कि हम लाइव ऐसा सडन आएंगे? नहीं सर बिल्कुल नहीं, बताया गया था क्या? नहीं बताया गया था। तो बताइए ओवरऑल अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा, हार्डवेयर का हो, सॉफ्टवेयर का हो और एमएमसी का सफ़र? सर जो भी हो हर चीज़ में डीपली और जो सिलेबस में था उससे ज़्यादा नॉलेज मिला है सर, उससे ज़्यादा नॉलेज मिला है। और जितना यहाँ के सर्स में प्रोफेसर जो भी पढ़ाते हैं उन सभी में इतना जोश है कि वो जितना भी हो उससे ज़्यादा डीपली पढ़ाते हैं सर, उससे ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो आप जो एक्सपेक्ट किए थे कि एशिया टेलीकॉम जाएंगे तेलंगाना से यहाँ पाएंगे, तो वो चीज़ मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल मिली है सर, इसलिए तो यहाँ पे आए, नहीं तो फिर हैदराबाद में ही वहाँ पे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लेते थे, हैदराबाद में ज्वाइन कर लेते थे। तो आपका जो डिसीजन था और अभी जो क्लासेस चल रही हैं कैसा चल रहा है? सर डिसीजन तो एकदम मुझे ऐसा लगा, यहाँ आने के ऐसा लगा कि बिल्कुल सही है, और हर किसी को जो समझदार है वो बिल्कुल यहाँ पे आ ही जाएगा, वो आ ही जाएगा। हाँ समझदार है वो आएगा सर, जो समझदार नहीं है फिर वो तो घूमता रहेगा यहाँ, भटकता रहेगा। ओके। तो मैं बात करूँ हार्डवेयर देव सर का सफर का, देव सर के साथ कैसा रहा? सर देव सर के साथ तो डे वन से डे लास्ट तक जितने भी दिन देव सर ने पढ़ा है वो उनका जोश उतना का उतना ही था, और वो नॉलेज जो भी दी है वो एकदम एंडलेस है सर। फिर सॉफ्टवेयर का सफर और एमएमसी का सफर अभी कैसा चल रहा है? सॉफ्टवेयर और एमएमसी के बारे में तो कुछ नॉलेज था ही नहीं सर उसके बारे में, और अब ऐसा लगता है कि अब तो एकदम भरपूर मिल गया। हाँ एकदम भरपूर मिल गया। कुछ आपके फ़ोन आप जो लाए थे वो आपके कुछ सही हुए हैं? हाँ सर बिल्कुल हुए हैं सर। खुद से हुए या फिर सर ने की? नहीं नहीं सर खुद से हुए सर, खुद से हुए। देखा कि उसमें क्या फॉल्ट था? हाँ क्या सोल्यूशन कर सकते? हाँ सर वही डायग्नोस करना और उसको ट्रेस करना और जो भी ट्रिक्स और टिप्स दिए उसके ऊपर, उससे हर चीज़ आसान हो गई है सर। आसान हो गई। कैसा रहा ओवरऑल अभी तक? सर बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ दो स्टूडेंट और हैं और हम इनसे इनका नाम पूछेंगे और फिर सारा कुछ पूछेंगे। तो ये नाम आपका क्या है? मेरा नाम मेहुल सर, गुजरात से हूँ मैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है जी, मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है, एक मतलब आप क्या काम कर रहे हो, वर्किंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे पहले ब्लैक पेस्टेड पे काम करते थे? नहीं सर कभी नहीं करते। नहीं सर मैंने भी नहीं किया। नॉर्मल आईसी पे काम करते? नहीं सर नॉर्मल भी आईसी से, मतलब मालूम ही नहीं था ब्लैक पेस्टेड और मतलब हाँ जी आईसी तो मालूम था पर ये नहीं मालूम था कौन सी आईसी क्या वर्क करती है, कुछ नहीं पता आपको? मेरे को भी नहीं मालूम था आपको भी नहीं पता था। तो चलिए देव सर के साथ हार्डवेयर का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा शुरू से लेके, और मतलब हमारी जो देव सर के साथ क्लास रही 14 दिन के आसपास रही है सर, पर यह है कि बिल्कुल एंडलेस, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं सर, जो बोलते हैं कि इससे ऊपर कुछ है वाकई में कुछ नहीं है जी। क्या चाहिए इसके? अब कुछ नहीं चाहिए सर, जब तो आपका कैसा? आपका भी? मेरा भी बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा रहा।
तो चलिए फिर सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा सर? जो हमारी जो सॉफ्टवेयर की क्लास थी वो हमारे दुर्गेश सर के साथ थी और बहुत अच्छी रही। यानी कि सॉफ्टवेयर का तो मालूम नहीं था बिल्कुल भी कि कौन सी फाइल क्रिटिकल फाइल क्या फाइल मतलब कुछ भी होती है कि नाम भी पहली बार ही सुना था, पर अब ये मालूम हो गया कि कौन सी फाइल कब यूज करना है कब। जी जी। तो आपका सफर कैसा रहा? मेरा भी दुर्गेश सर के साथ बहुत अच्छा सफर था सर। आप काम करते थे? नहीं, मैंने काम ही फ्रेशर ही है। अभी भी फ्रेशर हो? नहीं सर, अब नहीं फ्रेशर नहीं है। अब बात करते हैं, एमएमसी क्लास लाइव चल रही है, एमएमसी भी खत्म होने को है, तो एमएमसी का सफर मिलन सर के साथ ब्लैक पेस्टेड हो या प्रोग्रामिंग हो या तो चेंज प्रोसेस हो कैसा रहा? सर हमारा जो आज मतलब 6th डे है जी, और जी इसमें मतलब शुरू से लेके पहले दिन से लेके 2 दिन तो हमारा मतलब थोड़ी हुआ कि मतलब किस तरीके से टूल चलाना है। प्रैक्टिकल चलता था कि नहीं चलता? जी बिल्कुल चलता था, उसमें हमने ब्लैक पेस्टेड भी निकाला और व्हाइट पेस्टेड भी, और आज फिलहाल भी देख सकते हो कि मैंने अभी फिलहाल निकाल रखा है। दोनों निकाला? जी जी दोनों निकाला और फिलहाल भी रखा है कि इन सबके भी निकालेंगे। अभी निकालेंगे मतलब इनके निकालेंगे, इसका निकाला है अभी अभी। जी जी। तो कैसा हैंड स्किल पे अभी सर? पहले तो मतलब ये था कि प्रिंट उखड़ जाते थे कौन सा है, अब फिलहाल देखो एनसी प्रिंटर निकले हुए हैं, पर यह है कि बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, वो पता है एनसी कौन सा है? जी जी, एनसी डर जाते हैं अगर जिसको पता नहीं रहता है तो। नहीं सर, पहले हमें भी मालूम नहीं था कि वो खड़ गए तो कौन सा, अब ये मिड लेयर से कौन सा प्रिंट है या सरफेस को सबको मालूम हो गया। आपने कितने बोर्डों पे काम किया? मैंने सर 3 बोर्डों पे काम किया। 3 बोर्ड पे काम किया, इससे पहले नहीं करते? नहीं कभी। कैसा रहा ओवरऑल अभी तक? बहुत अच्छा था सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ यहाँ पे स्टूडेंट हैं और इनका नाम जानेंगे, और फिर ये कोई वीडियो नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये रिव्यू वीडियो नहीं है, एक ही प्रैक्टिकल वीडियो है, और इनका ओवरऑल अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस हम जानेंगे। बताइए क्या नाम? रमेश कुमार उत्तर प्रदेश। रमेश जी आपका नाम? जी सुभाष कुमार कसौजन उत्तर प्रदेश। सुभाष जी दोनों ही उत्तर प्रदेश से हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो चलिए हम जानेंगे अभी तक का सफर आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा रहा जी सर। आप कितने सालों से काम कर रहे? मैं सर प्रेशर हूँ, काम कुछ नहीं किया, काम इससे पहले नहीं किया इसने। शॉप है आपकी कि नहीं? नहीं नहीं, शॉप भी नहीं है। तो अभी प्लानिंग क्या है अभी जाने के बाद? अपना दुकान करेंगे, खुद का करेंगे? जी सर। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है अरे खुद का करेंगे, अभी तक हमने काम नहीं किया है, कैसे हमें फेस करना है? नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उतना नॉलेज मिला है, काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, आपका कैसा रहा अभी तक का सफर? सर बहुत बढ़िया था, नॉलेज मिला हमको भी, हम कर लेंगे। बताना चाहेंगे ये भी बिल्कुल फ्रेशर? जी सर एकदम, दोनों साथ में फ्रेशर आए थे। ओके, तो अगर मैं बात करूँ कितने बोर्डों में अभी तक ब्लैक पेस्टर का काम कर लिया? सर लगभग 4 बोर्डों में। 4 बोर्डों में? आपने कितने बोर्डों में? 4 बोर्ड मेरा भी हो गया सर। पहले करते थे क्या सर फ्रेशर? तो कभी जानकारी नहीं, नाम नहीं कुछ सुना, नहीं। हम लोगों ने नाम नहीं सुना था। तो आने वाले फ्रेशर स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आ सकते हैं बिंदास, आ सकते हैं अगर काम सीखना, काम अगर प्रॉपर नॉलेज के साथ सीखना है तो बिंदास आए, कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। आपका क्या कहना है? जिनको अपडेट होना है, जिसको इस काम में करना है, उस बेफिक्र होके आए, क्योंकि फ्रेशर का साथ ऐसा नहीं केवल 28 दिन का साथ है, नहीं नहीं लाइफ टाइम सपोर्ट, लाइफ टाइम। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप 2 महीने में आइए, 3 महीने में आइए। तो मैनेजमेंट ने कितना पैसा चार्ज करने के लिए बोला? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। आपको कितना? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं बोला गया। तो चलिए ये हमारे स्टूडेंट थे और इनका ओवरऑल हमने जाना, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ स्टूडेंट हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है आयन, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। मेरा नाम राजकुमार, उत्तर प्रदेश से है। राजकुमार और आयन जी, चलिए अभी ये कोई मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अभी तक का जो आपका सफ़र रहा हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का और एमएमसी का, कैसा रहा आपका हार्डवेयर? अच्छा रहा सर, अभी भी एमएमसी के काम हो रहे हैं। तो एमएमसी का लाइव प्रैक्टिकल मिल रहा है? हाँ लाइव प्रैक्टिकल मिल रहा है, उधर अभी बोर्ड है, इधर बोर्ड मिल रहा है। तो आपका कैसा रहा अभी तक? बहुत ही अच्छा रहा सर, नया मतलब फर्स्ट दिन से जो अभी तक ईएमएमसी का क्लास चल रहा है, Day 5 चल रहा है, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया नया मिलते जा रहा है। तो क्या इस लेवल से आप काम करते थे इससे पहले? नहीं करता था, मैं फ्रेशर हूँ, मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं है कुछ भी। आप? नहीं सर, काम तो करता था पर आईसी लेवल में, और इतना डिटेल से जो अभी तक फर्स्ट दिन से हम लोगों को मिलता रहा है, नेटवर्क सेक्शन के बारे में, डेस्क सेक्शन के बारे में, ऑडियो सेक्शन, सबके सेक्शन के बारे में जो इतना नॉलेज मिला है, हमको कुछ भी मालूम नहीं था, बस नॉर्मली काम करते थे। अब ये जो नॉलेज आपको मिला है यहाँ पे, इससे पहले आप नहीं काम करते थे, आप कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ रिक्वायर्ड है क्या? नहीं, थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा हिंदी आता होगा और थोड़ा भी इंग्लिश भी नहीं आता तो भी चल जाएगा। चल जाएगा, ऐसा कोई रिक्वायर्ड तो नहीं? नहीं नहीं, इसमें बस थोड़ा नहीं नहीं डिग्री का कोई ऐसा रिक्वायर्ड नहीं सर। जिसको काम सीखना है वो मतलब काम करना चाहता है तो वो खुद काम करना, कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश की जरूरत है ऐसा ऐसा कुछ बात ही नहीं है। किसको इंग्लिश आती है, किसको हिंदी आती है, इसमें बात नहीं। जिसको
जो आप बंगाल से हैं तो क्या आपको हिंदी में समझने में कोई दिक्कत? हिंदी समझ में आता है बट मेरे को लिखना नहीं आता, बट समझता हूँ तो काम कर लेता हूँ अपने अपने लैंग्वेज से। हाँ, अपने लैंग्वेज से। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अभी लाइव क्लास चल रही है एमएमसी की, एमएमसी का कैसा क्लास चल रहा है? बहुत अच्छा रहा, अभी मैं तीन बोर्ड काम कर लिया। तीन बोर्ड आपके हैंड स्किल पे इम्प्रूव आया कि नहीं आया? हाँ आया, बस वही प्रैक्टिकल का बस ये चीज है, बस प्रैक्टिकल करो, जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपका हैंडल। आपका कैसा रहा हैंडल? बहुत ही अच्छा रहा। बोर्ड पे काम किया अभी तक सर? आज अभी एक किया, तो पहले दो में किया था। अभी कैसा हैंडल स्किल आपका लग रहा है? बहुत ही अच्छा। कॉन्फिडेंस लेवल कैसा लग रहा है? पहले तो लगता था कि ब्लैक पेस्टेड बहुत ही हार्ड है, पर अभी तीन मतलब पाँच दिन में जो काम कर रहे हैं ब्लैक पेस्टेड में, ऐसा कुछ नहीं लगता जी, हार्ड है, हलवा लग रहा है जो बोले। हाँ सर, एकदम हलवा लगता है, आसानी से उठा पा रहे पा रहे। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहिए? आने वाला स्टूडेंट जो काम करना चाहता है वो बेहिचक यहाँ पे आए और आके कुछ ना कुछ नया हर दिन फर्स्ट डे नया सीखने को मिलेगा, अपडेट क्लास मिलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट और हैं, अपना नाम? मुकेश कुमार, वेस्ट बंगाल से। आप? सचिन, उड़ीसा। सचिन उड़ीसा से, बंगाल और उड़ीसा से हैं आप। तो सचिन जी बताइए, आज जो हमारी क्लास चल रही है एमएमसी की क्लास की बात करें, कुछ नया कॉन्सेप्ट मिला कि नहीं मिला? बहुत सारा मिला। क्या मिला आज की बात करें अगर? तो आज के बारे में जैसे कि हम तो यूएफएस से ये सब तो जानते ही नहीं कि इसका प्रोग्राम, हम जानते हिट मारना जानते थे। ये आपका, मैं भी बता दूं आपको, ये पहला बैच है जो आपको लाइव क्लास में यूएफएस मिला है। हम यूएफएस बताते थे अपडेट क्लास में, बताते थे कि जब कोई अपडेट के लिए आता था तब हम उनको बताते थे। आज आपको यूएफएस भी बताया गया, तो एमएमसी तो हम बात ही नहीं करते हैं, यूएफएस की प्रोग्रामिंग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे सर, कर लेंगे। लाइव दिखाया गया? हाँ, लून कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लून को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, सब कुछ बताया गया, सब कुछ लाइव हुआ। तो ये उपाय बताया गया कि कैसे क्या करना, सभी का डाटा सीट कैसे निकालना है, कैसे फिक्स करना, सभी आईसी के बारे में बताया गया। क्योंकि आप सॉफ्टवेयर का भी काम नहीं करते थे, पर आप यूएफएस पे काम करेंगे? सॉफ्टवेयर तो हम उसको बाईपास करके चलते थे ना। जी जी। हार्डवेयर में तो क्या बोले कि पहले, अभी तो मेरे पास ऐसा कॉन्फिडेंस है जो आईसी लगाया तो कन्फर्म कहाँ आईसी लग चुका है तो मतलब आपको ऐसा नॉलेज मिला है। हाँ, पहले था कि आईसी लगा है कि नहीं लगा, फिर सेल को जितना इच्छा करते रहो, हुआ तो रिजल्ट ना हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको पैक करके दे दो। आपका कैसा सफर रहा? ये सेम है, सेम रहा, मतलब जो हम काम करते थे उसका एक मतलब प्रैक्टिकल नहीं मिल पा रहा था, एक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, वो आईसी लगी है कि नहीं लगी, अब निकालना है कितने टेम्परेचर में कितने हीट पे। तो ओवरऑल एमएमसी क्लास कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है सर, बहुत अच्छी चल रही है। आपका? बहुत अच्छा चल रहा है। बोर्ड पे काम कर लिया आपने? चार की आज कल, वर्किंग वीडियो ही है, एक लाइव वीडियो है कि आप काम कर भी रहे हो कि नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं हम आपको पहले बोल दी और आप यहाँ पे आकर काम कर रहे थे? नहीं, ये वीडियो ऐसा वीडियो है कि ऐसा तो नहीं है कि पहले आपको बोल दिया गया कि चलो सब लोग बैठ जाओ? ना ना ना, ऐसा बात नहीं है, ऐसा माने हमें तो कर रहे तभी ना बोल रहे ना। जी जी, ऐसा नहीं ना, अपने तो मन से बोल रहे चाहे तो इंस्टीट्यूट के दबाव से काम कर लिया। हम चार बोर्ड पे कर चुके। आपने कितने बोर्ड पे? तीन। तो आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहिए? बोलेंगे आने के लिए आकर यहाँ से नॉलेज ले, आके नॉलेज। हाँ, नहीं आने से होना है तो नहीं, मेन आ सकता है, आ सकते हैं। जो आदमी वहाँ पर काम करे उनको पता चलेगा नॉलेज बहुत सारा, यहाँ आने के बाद पता चलेगा कितना नॉलेज हमारे पास में है। तो एक नॉलेज आपका घटेगा नहीं, बढ़ेगा। तो क्या बोलना चाहेंगे आने वाले स्टूडेंट? आए और अपना मार्केट में नाम कमाए, अपडेट हो, अपडेट होना। चलिए थैंक यू सो मच। मेरा ये डाम फाइल क्या हो रहा है अभी? राइट, तो लिख लो फटाक से कि सैमसंग फोन में अगर डाम फाइल राइट करने के बाद भी मीडिया टेक सीपीयू में, ये कौन सी सीपीयू में पॉसिबल है? मीडिया टेक कौन सी सीपीयू में पॉसिबल है? अच्छा, मुझे जो ये फोन दिए हो आप लोग, मुझे क्या पहले से पता था? ये पहले से नहीं पता था मुझे, अभी दिया तुरंत, अभी दिया मुझे, ना पता था तुम्हें, तुरंत मैंने देखा कि पोर्ट बन रहा है कि नहीं, पोर्ट बन रहा है, ईएमएमसी खोला और क्या क्या डीटी में मुझे क्या एरर मिला? परमानेंट राइट प्रोटेक्शन। परमानेंट राइट प्रोटेक्शन की सॉल्यूशन क्या है कि सर एप्पल पे फाइल को रीड राइट करना होगा, क्या करना होगा? अब डंप फाइल राइट करने के बाद भी अगर मेरा फोन चालू ना हो तो अनलॉक टूल से फुल डंप राइट करना है, लिख लो अनलॉक टूल से फुल डंप राइट करना है। अगर मेरा फोन सैमसंग मोबाइल में मीडिया टेक सीपीयू में अगर डंप फाइल राइट करने के बाद भी, भाई लोग ई ऑफिस प्रोग्रामिंग कौन कौन कर पाए? यस सर। यूएफएस आईसी? यस सर। अरे यूएफएस? यस सर। यूएफएस कर पाओगे? यस सर। मुझे बताइए आज अपना यूएफएस की क्लास था और पूरा रिवाइज किए थे पूरा क्लास को? यस सर। पूरी आज की 6 नंबर की दिन है और उसमें से पूरा चीज हम रिवाइज किए हैं और रिवाइज करने के साथ
UFS भी चेंज देखे हैं और प्रोग्रामिंग भी देखे हैं, yes, sir. है ना? तो मुझे एक बात बताइए, आज जितने भी सेट आप लोगों ने किए, कोई हैंडसेट क्या कोई ऑप्शन के वजह से या कुछ के वजह से रुक जा रहा था? नहीं सर, सारे फोन चालू हो रहा था। आप जो काम कर रहे थे वो काम आपकी कॉपी के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आपकी कॉपी में जो लिखा है थ्योरी, वही थ्योरी आप टेबल पे अप्लाई कर रहे थे और काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? सारे फोन चालू हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ पे हार्डवेयर का नॉलेज कैसा है? एक नंबर। और मैं बात करूँ एमएमसी, उससे भी आगे, उससे ऊपर है। अच्छा चलिए मैं बात करता हूँ स्टूडेंट से, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है। जी सर, मैं भिक्खू प्रसाद आसाम से। भिक्खू प्रसाद जी आसाम से जी। अच्छा अच्छा भिक्खू जी, आपके हाथ में क्या हैंडसेट है? मेरे पास M01 कोर है जी। किस कंडीशन में आपने ये कंडीशन था? सर मेरे हाथ में ये फोन था डेड कंडीशन पे। डेड कंडीशन में था जी सर। अभी किस कंडीशन में? अभी ऑन कंडीशन में है ये। थोड़ा चार्जर लगाइए, बताइए और चार्ज नहीं होगा सर। जैसे देख पा रहे हैं ये अभी ऑन कंडीशन में है। चालू करिए थोड़ा लोगो लाइए फास्ट लोगो। ये देख सकते हैं ये फोन चालू है। अच्छा भिक्खू जी बताइए, ये जो फोन है ये स्टक हो रहा था ना रीडिंग? यस सर। और ये रीडिंग स्टक होने के बाद इसको डायग्नोस करने में कितना टाइम लगा? सर हार्डली 7 से 8 मिनट लगा। 7 से 8 मिनट आपको प्रॉब्लम पता चल गया? प्रॉब्लम पता चल। इसमें प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था एमएमसी का प्रॉब्लम था। एमएमसी में क्या प्रोग्राम किया? परमानेंट राइट प्रोटेक्शन लगा हुआ था। अच्छा परमानेंट। अच्छा परमानेंट राइट प्रोटेक्शन हटाना आता है? यस सर, .ffu फाइल से मैंने उसको रीड राइट कर दिया, वो हट गया। अच्छा उसके बाद इसका कोई बैकअप था क्या? नहीं सर, अपने पास तो बैकअप नहीं था इसका। कोई भी बैकअप नहीं था सर? आईएमई की फाइल नहीं सर, डम्प फाइल नहीं सर। फिर भी आपका फोन चालू हो गया? फिर भी मेरा फोन चालू हो गया। ये देख सकते हैं फोन चालू है बिल्कुल भी, पूरा वर्किंग कंडीशन में है। अच्छा मुझे बताइए कि इस तरीके से फोन अगर आपके पास, आप शॉप जाने के बाद आ जाए आपके पास, तो सर, आप इसको रेडी कर पाएंगे कि नहीं? डेफिनेटली सर, मैं उसको रेडी कर दूंगा। हाँ। और टाइम भी नहीं लगा उसको रेडी करने में। अच्छा ये एमएमसी प्रॉब्लम है या नहीं है ये देखने के बाद ही आप पता कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर, मैं तुरंत उसको पता कर सकता हूँ। तुरंत पता जी सर जी। और एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पे जो हार्डवेयर पढ़ाया गया, बिना हार्डवेयर के कि ये सारी चीज पॉसिबल है क्या? नो सर, हार्डवेयर के बिना ये चीज पॉसिबल है नहीं। सॉफ्टवेयर के बिना? सॉफ्टवेयर के बिना भी ये पॉसिबल है नहीं। ये पॉसिबल नहीं है सर। सारी चीज जरूरी जरूरी है, सारी चीज जरूरी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है सर, एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब चीज जरूरी है। अच्छा हार्डवेयर की का जो देव सर के साथ आपका क्लास हुआ वो कैसा रहा? वो सर माइंड ब्लोइंग क्लास था सर, कि जिसका मतलब कि सॉल्यूशन एंड का एंड, उसका आगे कुछ नहीं है सर, उसके आगे कुछ नहीं, कुछ सर, भी नहीं है जी सर। और मैं बात करना चाहता हूँ कि दुर्गेश सर के साथ सॉफ्टवेयर कैसा रहा? दुर्गेश सर के साथ क्लास कर बहुत मजा आया, क्योंकि दुर्गेश सर ऐसा ट्रीट किए जैसे कि हम लोग कंप्लीट फ्रेशर है, और हमें पहले ही कहा गया था आपके पास जो भी नॉलेज है उसको जीरो बना के आ रहा है। अच्छा यूएफएस आईसी आपके पास आ गए तो उसमें लून की पार्टीशन होता है, उसको आप एडिट कर पाएंगे? एडिट कर पाएंगे, उसको आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कितना उसमें लून का पार्टीशन है और कितना लून कम ज्यादा कर पाएंगे? ये सर कर पाएंगे उसको। अच्छा मान लीजिए कि एक आईसी में लून कम है तो कर पाएंगे कि नहीं? जी सर। ज्यादा है? ज्यादा है तो ज्यादा भी कर सकेंगे। अच्छा आज आपने यूएफएस आईसी रिप्रोग्राम करने सीखे और यूएफएस आईसी चेंज करना सीखे, ये सिर्फ बोर्ड में बताया कि करके दिखाया गया? करके दिखाए सर उसको। और फोन चालू हुआ कि नहीं? चालू भी हुआ है सर, कंप्लीट चालू, कंप्लीट ऑन हुआ है। कितने जीबी की यूएफएस आईसी लगा है सर? आज हमारा लगा है 128 जीबी। 128 जीबी की यूएफएस आईसी। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आसाम से अगर कोई आना चाहता है क्या बोलना चाहेंगे आप? आसाम से आना चाहता है कोई अगर स्टूडेंट, भले वो फ्रेशर हो या फिर पुराना टेक्नीशियन हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो टाइम वेस्ट ना करके अगर एशिया टेलीकॉम जल्द से जल्द आए तो उसके लिए फायदेमंद है। फायदेमंद है जी सर, मेरे लिए तो, मेरे लिए तो नहीं है लेकिन उसके लिए फायदेमंद है। मेरे लिए नहीं है सर, वो आएगा अपने लिए आएगा सर। बिल्कुल जी सर, मैं आया हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ, वो आएगा अपने लिए आएगा जी सर। थैंक यू वेरी मच। और एशिया टेलीकॉम के लिए क्या बोलना चाहेंगे एक शब्द में, एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? एशिया टेलीकॉम का टीम बहुत जीनियस टीम है और इससे आके जुड़े रहे और हम लोग भी जुड़े हैं अभी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
नाम सलीम, कश्मीर से। सर मोहम्मद सलीम, सलीम जी आपके हाथ में कौन सा फ़ोन है? जी सर ये रेडमी नोट 8 प्रो है सर। नोट 8 प्रो, क्या कंडीशन में था ये? बंद था सर। और इसमें एमएमसी, ये ओफेस आईसी था क्या? नहीं सर, यूएफएस आईसी था नहीं। था नहीं? नहीं सर, हमने प्रोग्राम करके लगाया इसमें। चेंज किया, नया लगाया, प्रोग्राम करके लगाया। अच्छा दिखाए ना फोन चालू है कि नहीं? चालू है। फोन चालू है? हाँ सर। अरे क्या बात, ये तो फोन चालू है। अच्छा ये यूएफएस आईसी चेंज करना मेथड आपको पता है? सर पहले तो ऐसा लगता था क्योंकि मार्केट में किसी के हाथ में देते थे ना, तो जैसे इस फोन की आईसी निकाल के फेंक ही दी थी, वापस भी नहीं लगाई थी, तो ऐसा लगता था कि भाई जैसे इंसान के अंदर 100 साल वाला भूत होता है ना, फोन के अंदर ऐसे भूत जैसा है ये, सब छोड़ ही देते हैं, कोई हाथ नहीं लगाता। अच्छा अच्छा। आज जब सर ने हमें पढ़ाया सर, बिल्कुल हलवा लगा। हेलो जी सर, यूएफएस क्या इतना टफ है? सर कुछ भी नहीं है, जो हमें एशिया टेलीकॉम से आज नॉलेज मिले ना सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं है मेरे पास। आते ही 100 फोन आ जाएंगे, मैं बैठ जाऊंगा सर, बैठ जाएंगे, किसी को रिटर्न नहीं दूंगा सर, बना के ही दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यूएफएस चेंज का मेथड जो हमने आज बताया है आपको, यूएफएस आईसी कंफर्टेबल ढूंढना। हाँ सर, यूएफएस आईसी चेंज करने की मेथड। जी सर, ये मेथड आपको क्या यूट्यूब में मिल जाएगा? नहीं सर, इसका ये फोन जब आज हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में ये कंप्लीट हुआ प्रोसेस दिखाया सर ने, फिर जब ये फोन 128 बन गया, फिर मैंने यूट्यूब पे मैं बैठा था, मैंने यूट्यूब पे सर्च भी मारा, एक वीडियो मिला नाम से कि इसमें यूएफएस चेंज का प्रोसेस देखो। सर वहाँ वीडियो में देखा ना, खाली एक आईसी रिवॉल्व हुई, आईसी को दिखाया, लगाया, चिपकाया, फोन ऑन किया, चेंजिंग का प्रोग्रामिंग का कोई प्रोसेस दिखाया ही नहीं सर, कोई बॉक्स का, बॉक्स की वो शक्ल भी नहीं मिली देखने। अच्छा आपको अगर एक फोन दे दूं और उसमें यूएफएस आईसी और मीडियाटेक सीपीयू है, और उसमें अगर मान लीजिए कि यूएफएस आईसी नहीं है तो कंफर्टेबल ढूंढ सकते हैं आप? हाँ सर इजी। और अगर मान लीजिए एक फोन में 32 लून्स है तो बना सकते हैं? हाँ सर, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जो 32 मैक्सिमम है हमारा, मगर कम करने हो वो भी विद इन सेकंड्स करेंगे, बढ़ाने हैं तो विद इन सेकंड्स करेंगे। जैसे यूएफएस आईसी में डिस्क्रिप्टर होता है। जी सर। और फ्लैग होता है, एट्रीब्यूट होता है, ये सारी चीज समझे आप? हाँ सर क्लियर समझे सर। जैसे डिस्क्रिप्टर क्या काम करता है, फ्लैग क्या काम करता है, और एट्रीब्यूट क्या काम करता है? जी सर सब समझ गए, सब समझे। ठीक है, तो एशिया टेलीकॉम के लिए क्या बोलना चाहेंगे आपसे मुझसे? सर एशिया टेलीकॉम के लिए मैं एक ही चीज बताऊंगा कि भाई अभी मौका है, जल्दी आ जाओ, नहीं तो समय ऐसा चेंज होने वाला है कि महीनों भर वेटिंग में रहना पड़ेगा एशिया टेलीकॉम में एडमिशन करने के लिए। और एक बात, दूसरी बात, एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके हाथ में जो फोन है झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, खोल के दिखाऊं सर? यूएफएस चेंज हुआ है सर? ये खोल के ही दिखा लेते हैं सर, यूएफएस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, झूठ तो नहीं बोल रहे सर? थोड़ा सा सर इसमें जो यूएफएस लगा हुआ था वो यूएफएस खराब था जी सर। अच्छा चले दिखाइए। ये सर ये देख सकते हैं हमारा यूएफएस आईसी चेंज हुआ है। ये यूएफएस आईसी किसका था भाई? आपका था? कौन सी मोबाइल में लगा हुआ था? X2 में लगा हुआ था। हमने किस में लगा दिए? उसी हिसाब से परमानेंट हिसाब से करते हैं, एक पैसा का फरेब भी है नहीं आप कोई जे की भाई इससे कर लो हो जाएगा ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, जो है प्रॉपर करके दिखाया जाता है। ठीक है तो एक बार चालू करके दिखाए आप मुझे। यूएफएस आईसी चेंज किए हैं ये लोग। दोस्तों आपको भी अगर यूएफएस आईसी चेंज करना सीखना है तो जल्दी से जल्दी आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें, और यूएफएस की मेथड चेंजिंग का मेथड, कंफर्टेबल आईसी की मेथड आप देख सकते हैं। और इसका अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी चाहिए तो हमारे पुराने लाइव वीडियो में यूएफएस चेंज लाइव हुआ है, उसको देख सकते हैं। तो सलीम जी आपके वो थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और इनके लिए क्लैप पूजा भाई। yes, और मैं एक स्टूडेंट से बोलना चाहता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है आयन। आयन, आयन कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल से सर। बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। तुम्हारे हाथ में कौन सा फोन है? सर ये मेरे हाथ में रेडमी Y3 है, जो रेडमी 7 ऑनलाइन फोन है। ऑनलाइन फोन है? ऑनलाइन फोन है। बहुत फोन है, इसकी यूएमटी वगैरह से फ्लैश नहीं किया जाता सर। इसको क्या प्रॉब्लम था? इसका सर डेट था। हाँ। जो इसकी ईएमसी को चेंज किया, रिप्रोग्राम किया, नया ईएमसी लगा के दिखाओ ना जरा। चालू हुआ? चालू है। अरे क्या बात करते हैं।
अरे सारे फोन कैसे चालू हो जा रहा है यार, क्या बोलते हो? ये पावर किसका है? किसका है? इसीलिए सारा फोन चालू हो रहा है। अच्छा ये सारे चीज जो है लाइव करके दिखाया जा रहा है कि yes, sir, 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 लाइव सर वही लोग कर पाते हैं जिनको नॉलेज है वो वही लाइव, क्योंकि स्टूडेंट के सामने लाइव आना, लाइव करके दिखाना और क्लास की एंडिंग पॉइंट में लाइव आना किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बड़ी बात होता है। yes, sir, sir. क्या सिखा है क्या नहीं सिखा है, क्या फोन चालू हुआ नहीं हुआ, तो मुंह लटक जाता है। जी सर है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या? नहीं सर, प्रॉपर डायग्नोस होता है। yes, sir. कौन सी कहाँ वोल्टेज है, कौन सी किस लिए चालू नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारा चीज है ना। yes, sir. ठीक है, 1% भी हिडन नहीं है यहाँ पे सर। When? 0.1% भी हिडन नहीं है। क्यों एविडेंट क्यों रखेंगे भाई? जी सर, आप हमारे से सीखने आए हो भाई। yes, हम दूसरे इंस्टीट्यूट जाएंगे ना तो आधे बताएंगे आधे नहीं बताएंगे। yes, sir. क्योंकि नहीं तो भूल जाएंगे, हमें ऐसा बोलेंगे कि भाई जाके इंस्टीट्यूट खोल देंगे। लेकिन एशिया टेलीकॉम ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जो बच्चे को पढ़ाते हैं, वो बच्चे जाके इंस्टीट्यूट खोलता है। यस सर, यस सर, ये इतिहास गवाह है। यस सर, यस सर ने हमें कहा भी है सर कि अच्छे से पढ़ाई करो, कल को आप अपना स्टार्टिंग भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, अपनी नॉलेज ले लो। बिल्कुल, मैं आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट की बात बोल सकता हूँ। जो स्टूडेंट, जो सारे स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के गए हैं और आज गुजरात हो, यूपी हो, हैदराबाद हो, कहीं पर भी जाओ, हमारे नाम, हमारे स्टूडेंट सब। देव सर ने इतना भी गारंटी दिए हैं कि अगर आप इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो मेरे तरफ से 100% का सपोर्ट मिलेगा आप लोग। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा? इसीलिए हम एक भी चीज हिडन नहीं रखते, हिडन रहेगा। ठीक है ना। अच्छा आदत जी बताइए, ये जो फोन चालू किए ये लाइव हुआ? ये सर लाइव हुआ, लाइव वो भी अनलॉक टूल से फास्ट बूट से फ्लैशिंग करके हुआ, जो कि यूएमटी जो नॉर्मल हमारा फ्लैशिंग होता है उसमें नहीं होता क्योंकि ये ऑनलाइन फोन है। अनलॉक टूल से हो गया? ये सर अनलॉक टूल से यूएसबी से फास्ट बूट मोड से फ्लैश हुआ और मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हुआ। मोबाइल कम्प्लीटली ऑन। आपको पास अगर इस तरीके से फोन आ जाए, अगर इस तरीके से डेड है फोन, चालू कर पाएंगे कि नहीं? 100% सर चालू कर पाएंगे। 100% यस सर। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? जिसको सीखना है उसको तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा, नहीं देखो तो भाई मैं आपको जबरदस्ती, मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, कोई जबरदस्ती है यहाँ पे? कोई जबरदस्ती नहीं। क्या बोलते हो, कोई जबरदस्ती है? कोई जबरदस्ती भाई, हम पैसा दिए हैं फिर भी जबरदस्ती करके क्यों बोलेंगे? यस सर, हमारे दिल से आवाज है, जो सीखे है, जो देखे है, जो सच्चाई है वही बोलेंगे, वही बोलेंगे। यस सर, है ना। चले थैंक यू वेरी मच। मैं और एक स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल है। राहुल बताओ आज क्या प्रॉब्लम था? हाँ, सर इसकी हेल्थ चेंज करी, इसकी हेल्थ रिपेयर करी। हेल्थ रिपेयर? अच्छा ये सैमसंग की एमएमसी था। सैमसंग की एमएमसी क्या होता है मैं बताऊँ, जो यूएफआई यूजर है, जो व्यूअर्स मेरे यूएफआई यूजर है, अगर सैमसंग मोबाइल सैमसंग ईएमएमसी या ईएमसीपी का हेल्थ रिपेयर करते हैं तो मोबाइल फोन को या रिस्टार्ट में रोक लेते हैं या तो फिर डेड कर देते हैं। क्या आपसे ये होगा? नहीं सर। क्या आपसे होगा? नहीं सर। ये फोन दिखाए ना, अभी चालू है कि नहीं है? थोड़ा सा ये चार्जर लगाई, थोड़ा सा दिखाई ये चालू है कि नहीं है। ये देख सकते हैं फोन हमारा चालू है। अरे ये आपने खुद ने किया? यस सर। आप देख सकते हैं या तो हमारे पुराने लाइव वीडियो में देख भी सकते हैं कि ये खुद मैंने लाइव रिपेयर किया है। खुद तो अपने लाइव रिपेयर किया है। चलिए एशिया टेलीकॉम जो बोलता है वो करके दिखाता है। बिल्कुल सर, जो करते हैं वो करके दिखाते हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं 100% करके दिखाते हैं। 100% यस सर। अच्छा मुझे बताइए आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि आना ही चाहिए, जो फ्रेशर है इस मार्केट में, नया है या पुराने से करता रहा है तो इसमें अपग्रेड होना है। फिर भी मैं पहले से यह कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, अपग्रेड होना है तो आना पड़ेगा इसे टेलीकॉम में, आना पड़ेगा। यूएफएस की कोई नॉलेज नहीं देता है आज के डेट में। आज आपने लाइव क्या देखा? चेंज। यस सर, यूएफएस चेंज, साथ में प्रोग्राम करना भी। बिल्कुल सर, है ना। यस सर। चलिए थैंक यू वेरी मच आपको। और मैं और एक स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार सर, मेरा नाम अर्जुन है सर, मैं गुजरात से हूँ सर। अर्जुन सर, क्या फोन है, क्या बताइए थोड़ा? सर एमआई का फोन है मेरे पास सर। हाँ ये फोन के अंदर सर रिकवरी मोड में जा रहा था। हाँ सर रिकवरी मोड में जा रहा था। जी। अभी कौन सी कंडीशन में? अभी तो ऑन है सर। अरे क्या बात, सारा फोन चालू हो जा रहा है क्या? यस सर। एक्चुअली सर ये फोन मैंने गुजरात में बहुत सारे मतलब शॉप पे दिखाया हुआ था सर,
लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए कि भाई नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। और यहाँ पे आके सर ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 मिनट के अंदर ही रेडी हो गया सर। एक तो रजिस्टर की फॉल्ट था, दूसरा एक रजिस्टर का कहानी था, कहानी। जो हार्डवेयर मॉडिफाई हम कल सीखेंगे। यस सर, जो कल सीखेंगे हार्डवेयर मॉडिफाई करना। एक रजिस्टर में वही फ़ोन, कल मैं रजिस्टर को इधर उधर करके दिखाऊंगा, ये फ़ोन चालू नहीं होगा। मैं सिर्फ इधर से उधर कर दूंगा और फ़ोन चालू नहीं होगा। एक जगह से दूसरी जगह रख दूंगा, चालू नहीं होगा, दिखाऊंगा। हार्डवेयर मॉडिफाई करना सीखेंगे कल। यस सर। सिक्योरिटी रिपेयर करना सीखेंगे कल। यस सर। है ना? यस सर। तो मुझे ये बताइए कि एशिया टेलीकॉम में कितना सच्चाई है? पूरा पूरा सच्चाई है सर, बिल्कुल झूठ नहीं है सर। कोई झूठ है क्या? बिल्कुल झूठ नहीं है सर। अच्छा, जैसे यहाँ पे कम से कम 60 लोग देख रहे हैं आप। जी सर। और 60 में से 10 लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि यार मैं जाऊं या ना जाऊं, क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? सर मैंने सुबह भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, जो भी यहाँ पे आएगा जीरो बन के आएगा, और यहाँ से जो जाएगा वो हीरो बन के जाएगा सर। जिसको साइड रोल करना है वो यूट्यूब देख के साइड रोल कर सकता है, लेकिन हीरो बनना है तो एशिया टेलीकॉम में ही आना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या बात है। अगर आपको टेक्निक, पूरा टेक्निक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएमसी क्लास और यूएफएस का क्लास, ये पूरा सब सीखना है आपको, मास्टर मार्केट में मास्टर बन के रहना है सर, तो यहाँ पे आना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा, सीख के जाना पड़ेगा। सीख के जाओगे तभी सब मतलब। अच्छा जी सर, मैं आपसे अर्जुन जी एक बार पूछना चाहता हूँ। सपोज मान लीजिए हमने तो 100% हमेशा देते हैं जी सर, और आपसे गलती से कुछ छूट गया जी सर, आप कुछ याद नहीं रख पाए, आपसे यहाँ से जाने के बाद कोई कुछ तकलीफ आ रहा है जी सर, उसके लिए एशिया टेलीकॉम क्या ऑफर करता है? सर एक्चुअली दो चीज है, एक तो हमारे पास सर ने कॉपी लिखाई है बहुत अच्छे से सर, बिल्कुल, और दूसरा भी एक बोल दूं, अगर कॉपी हम लोग नहीं लिखते तो पनिशमेंट भी मिलती है हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। एक भाई जो करने आए हैं, जो मकसद है वो मकसद हमें पूरा करना है, उस मकसद में मुझे खड़ा रहना है जी सर, है ना। अच्छा, उसके बाद भी नहीं हुआ, उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आया है सर, या तो कुछ अपडेट आया है, तो वापस यहाँ पे आके सर हम लोग बैकअप ले सकते हैं सर। उसके लिए कोई पैसा पैसा लगेगा? नहीं सर, कोई पैसा नहीं है सर, कोई पैसा नहीं है सर। सच बोल रहे हैं? हाँ सर, सच बोल रहा हूँ, कोई पैसा नहीं है सर। 20% 30% चार्ज करते हैं? नहीं सर, कोई चार्ज नहीं है सर। 20% 30% हर साल का चार्ज करते हैं, अगर बैकअप लेना है, अपडेट लेना है, जहाँ तक ये मार्केट में मोबाइल लाइन के अंदर काम कर रहे हैं, और जो भी चीज अपडेट आ रहा है, अगर वो चीज का नॉलेज नहीं मिल रहा है या नहीं है आपको, तो यहाँ पे आके अपडेट क्लास ले सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, और उसका कोई चार्ज नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे प्यारे जो भी पुराने स्टूडेंट है, मैं उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ। आप लोगों की ग्रुप चेक करिए, आप लोगों की ग्रुप में मिल जाएगा एमडी सर की नंबर, जहाँ पे आपको एमडी सर को कॉल करिए और अपना अपडेट की क्लास बुक करिए, क्योंकि नया नया बहुत सारे चीज अपडेट आ चुका है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ओवर यू, और सबको गुड नाइट सर। Get set, go! Yes, sir! एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Yes, sir!